हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का पार्ट 3, बिकॉज आप मेरे साथ दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए बताइए मुझे कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये कौन कहता है? सेक्शन 30 कहता है। ये सर, ये सेक्शन 30 किसका आ गया? ये है सेक्शन 30 आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो मैंने आपको पहले बताया था कि माइनर वैसे तो जनरली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं मना करता है। बट आप उसे पार्टनर बना सकते हो। किस चीज के लिए? ओनली फॉर द बेनिफिट्स। ओनली फॉर द बेनिफिट्स यानी कि वो लॉसेस नहीं लेगा, बस बेनिफिट्स एंजॉय कर सकता है, उस चीज के लिए वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने रेड रेड मार्क किए हुए हैं जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट की ओर। अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज पार्टनर आइदर विद कंसेंट ऑफ ऑल और इन अकॉर्डेंस विद दी एग्रीमेंट। तो ये कौन कहते हैं? सेक्शन 31 कहता है। ये क्या बोल रहा है सर पॉइंट? ये बोल रहा है कि कोई नया पर्सन पार्टनर बन सकता है। किन तरीकों से? पहला, या तो कंसेंट ऑफ ऑल, सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी से। दूसरा, अगर जो एग्रीमेंट हुआ था, चाहे ओरल चाहे रिटर्न, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये लिखा हो कि कोई मैनर लिखा हो कि इस तरीके से पार्टनर बन सकता है, या फिर ये लिखा हो कि किसी की भी सहमति से, चाहे सब एग्री ना हो लेकिन कोई स्पेसिफिक पार्टनर्स एग्री हो तो भी हम नया पर्सन को पार्टनर ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो क्या बोल रहे हैं? कंसेंट ऑफ ऑल से भी पार्टनर बन सकता है, या फिर एग्रीमेंट फॉलो करके भी पार्टनर बन सकता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। देखो सिमिलर सा पॉइंट बोल रहा है कि आपको आना है या छोड़ के जाना है, यानी कि वो वाला डायलॉग याद मत कर लेना कि आना तो पूरा आना वरना मत आना। यहाँ पे बोल रहा है कि रिटायर अगर आपको होना है तो आपको सबकी सहमति चाहिए, यानी कि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए, या फिर आप एग्रीमेंट में जैसा लिखा हो वैसा फॉलो करके रिटायर हो सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो एग्रीमेंट में लिखा हो कि आप 1 month का नोटिस देकर, प्रॉपर नोटिस देकर रिटायर हो सकते हो, तो वो प्रोसीजर फॉलो करके रिटायर हो जाओ। ये कहता है सेक्शन 32। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई क्या उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है कि नहीं? सर सोच रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा। देखो सिंपल सा पॉइंट है कि ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। हमेशा ये याद रखना कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, अपनी चॉइस है। यानी कि क्या है? रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी मर्जी, अगर आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना है तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। तो ये कहते हैं सेक्शन 69। तो आपको याद क्या रखना है? ओनली रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। ठीक है सर, रजिस्टर करवाने का क्या फायदा होता है? अगर आपको किसी पे केस करना है, या फिर कोई आपके ऊपर केस करना चाहता है, तो जनरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए फॉर्म, तभी आप प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और। देखिए क्या बोल रहा है फिफ्थ पॉइंट। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड, फर्म इज डिसॉल्व्ड, फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। सिंपल बोल रहा है कि जनरली क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, मान लो पार्टनर्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, उसमें से कोई भी एक मर गया तो हम ये मान लेंगे कि फर्म डिसॉल्व हो गई। क्या मान लेंगे? कि फर्म डिसॉल्व हो गई। लेकिन ऊपर आप बचा सकते हो उससे, ये जो वर्डिंग्स लिखी है इसका मतलब बता देते हैं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, एग्रीड कहाँ पे होते हैं? एग्रीमेंट में, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो चाहे रिटन एग्रीमेंट हो। अगर आपने उसमें ऐसा लिख दिया कि भैया हमारी फर्म तो चलती ही रहेगी, चाहे पार्टनर मरे या जिंदा रहे, तो हम उसको फॉलो करेंगे, डैट मीन्स फिर फर्म चलती रहेगी, डिजोल्व नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
कि आपको ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये कौन कहता है, सेक्शन 35। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए नोट बोल रहा है, इट शुड बी नोटेड दैट अबव प्रोविजंस, जो अभी हमने पांच प्रोविजंस ऊपर पढ़े हैं, अबव प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइड व्हेन पार्टनरशिप डीड नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट डज नॉट हैव एनी क्लॉज टू दिस इफेक्ट। मतलब बताते हैं इसका क्या बोल रहा है, देखिए सुनिए। ये बोल रहा है कि ऊपर जो हमने पांच प्रोविजंस पढ़े हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर फॉल करते हैं। तो अगर आपका पार्टनरशिप फर्म का अपना एग्रीमेंट है, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटर्न हो, अगर ऐसा है तो आप उसमें जो लिखा है वो फॉलो करो, लेकिन अगर नॉट एग्जिस्ट है तो आप ऊपर वाले प्रोविजंस फॉलो कर लो। दूसरा केस, अगर एग्जिस्ट तो करती है लेकिन आप इनमें से कुछ पॉइंट के ऊपर कुछ लिखना ही भूल गए, यानी कि वो क्लॉज ही नहीं डाला, तो भी आप ऊपर वाले पॉइंट्स फॉलो कर लो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सा पॉइंट है ये याद रखना कि आपके पास अपना एग्रीमेंट है तो आप उसे फॉलो कर लो, नहीं है एब्सेंट है तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो कर लो। दूसरी चीज, आपके पास एग्रीमेंट तो है लेकिन उसमें आप ये कुछ क्लॉजेस डालना भूल गए, तो अगर उन क्लॉजेस के ऊपर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप क्या फॉलो कर लो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो कर लो। सो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपके लिए हम गर्मा गर्म लेकर आए हैं इलिस्ट्रेशन। हाँ जी, इलिस्ट्रेशन करने वाले हैं आज हम पहली बार। चलिए इलिस्ट्रेशन ऑन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बोल्ड नहीं किए हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में बोल्ड किया हुआ नहीं मिलेगा, जब इसके सॉल्यूशंस आएंगे उसमें बोल्ड किया हुआ मिलेगा। देखिए, अमरीश ललित चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट पार्टनरशिप डीड। मैं क्वेश्चन कराते हुए बीच में पॉजेज लूंगा जिससे आप मुझसे पहले आंसर कर पाएं, अपना दिमाग चला पाएं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको मेरे से पहले आंसर करना है। बताइए इस वाली लाइन में कीवर्ड क्या है, सोचिए। हाँ, वेरी गुड, विदाउट इज अ कीवर्ड। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि उनका अपना एग्रीमेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, उनका अपना एग्रीमेंट नहीं है। चलिए तो बताइए, अमरीश फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अमरीश हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछेगा क्या एंड में, ये पूछेगा कि हर पॉइंट में क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है, तो आप मेरे को बताते जाना। अमरीश हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री। तो आप बताइए सोच के क्या होना चाहिए। तो स्टेप वाइज चलना हमेशा, कभी गलती नहीं होगी। तो बताओ स्टेप वन में क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट है कि नहीं है, तो आपने ऊपर पढ़ा एग्रीमेंट नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं होता है तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम, कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या कहता है बताना जरा याद करके। हाँ, सही आंसर है आपका कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, यानी कि नहीं दिया जाता अगर आपके पास एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको अलाउ नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जो 10% मांग रहे अमरीश ये नॉट वैलिड है और ललित और चारू की बात सही है। तो आंसर क्या होगा इसमें, अमरीश इज नॉट अलाउबल इंटरेस्ट एंड उसके बाद नॉट वैलिड है, ठीक है, इनवैलिड है। चले नेक्स्ट स्लाइड की और बताइए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। ललित बोल रहा है, भैया ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस। बोल रहा है भैया मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हारे बिजनेस में और तुम मेरे को 5,000 रुपये सैलरी भी नहीं दे सकते। बट अमरीश और बोल रहे और चारू बोल रहे हैं मिलके कि भैया तूने चाहे जिंदगी लगाई हो चाहे कुछ लगाया हो, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। तो आप बताइए क्या होना चाहिए, सोचिए बताइए, ये किसका पॉइंट है, सैलरी का पॉइंट है, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन में हमने पढ़ा था, तो सैलरी के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है तो क्या कहता है, हाँ कि सैलरी नहीं मिलती, सैलरी नहीं देते, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है सैलरी नहीं देते। तो यहाँ पे भी कौन है, ललित इनवैलिड है और अमरीश और चारू जो है वो वैलिड है, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। चारू बोल रही है डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या बोल रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन उसने दिया है लोन 50,000 का फर्म को और मार्केट रेट चल रहा है 12%, क्या चल रहा है 12%। तो फिर दोबारा वही क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या एग्रीमेंट था, नहीं था सर, तो एग्रीमेंट नहीं होता तो
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या कहता है? सर याद तो आ रहा है, सो कुछ बताया था, याद तो आ रहा है, सोचते हैं ज़रा। हाँ कुछ परसेंटेज बताया था ना, वेरी गुड। क्या था? 6% देते हैं। तो यहाँ पे एग्रीमेंट ना होने की वजह से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हुए हम कितना परसेंट उसे इंटरेस्ट दे देंगे? सर 6% दे देंगे। यानी कि आप मुझे बताइए 50,000 का 6% कितना बनेगा? पॉज ले रहा हूँ मैं आपके लिए। वेरी गुड, 3,000 बनेगा, आगे यूज होगा इसका। तो 3,000 आपको इंटरेस्ट चारू जी को देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की और देखिए। अम्बरीश बोल रहा है कि मैंने 10,000 रुपये निकाले अपनी घरवाली घर वालों के लिए, तो फ्रॉम फॉर्म फॉर पर्सनल यूज। तो ललित और चारू बोल रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो, तुमने मतलब हम तो लेके नहीं गए घर और तुम लेके जाए जा रहे हो 10,000 रुपये 10,000 रुपये, तो आप 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। तो बताओ एग्रीमेंट नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए? हाँ वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे अगर एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अमरीश की बात ठीक हो जाएगी, उसे 10% इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और ललित और चारू इस चीज़ में इनवैलिड है। ठीक है, समझ आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स इज ₹50,000। अमरीश डिमांड्स प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। तो बताइए यहाँ पे एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं थी, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या रेशियो गिवन है? हाँ जी, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे हम इक्वली। किस में करेंगे? इक्वली यानी कि 1:1 में हम डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को, बिकॉज साइलेंट है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो 1:1:1 में डिवाइड करना होगा। एक चीज मुझे बता दीजिए बस, जो आप भूल गए हैं यहाँ पे, ये प्रॉफिट है बिफोर, जो ऊपर हमने चीजें करी उसको अभी नहीं लिया कंसिडरेशन में। तो सर ऊपर से कुछ लेना था क्या कंसिडरेशन में, सोचिए आप। हाँ जी वेरी गुड, सही बोला आपने, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने 3,000 चार्ज किया है, तो वो किस में किसका पार्ट है? पीएनएल का कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, ये हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट में से माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसलिए 50,000 में से 3,000 लेस करके 47,000 बचा, और 47,000 आप इक्वली, दोबारा बोल रहा हूँ, इक्वली तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। कहता है ललित, कौन है ललित? वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस। ललित अपना बड़ा बेटा लेकर आना चाहता है ऐसा पार्टनर, बट चारू ने मना कर दिया। अब ये तो नहीं पता कि क्यों मना किया, चारू ने इस प्रपोजल को मना कर दिया। तो ललित अपने बड़े बेटे को लेकर आना चाहता था, तो आप बताइए एग्रीमेंट नहीं था इनके पास। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है अभी पढ़ा है हमने। हाँ जी, अगर नया पार्टनर लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, कि सबकी सहमति की जरूरत है, यानी कि सबकी कंसेंट होने की जरूरत है, एंड अगर कंसेंट नहीं है तो जैसा एग्रीमेंट में लिखा है वैसा फॉलो कर लो। क्योंकि इनके पास एग्रीमेंट नहीं है इसलिए सबकी कंसेंट से ही नया पार्टनर ला सकते हैं। तो यहाँ पे सबकी कंसेंट नहीं है बिकॉज चारू ने कर दिया है ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड। इसलिए क्या बताइए, ललित इंदर को ला पाएगा एज अ पार्टनर? हाँ जी वेरी गुड, नहीं ला पाएगा, इसलिए ललित यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और चारों की ऑब्जेक्शन की वजह से वो नहीं आ पाएगा इंदर एज अ पार्टनर। समझ गए आप लोग? देखिए क्वेश्चन का क्या था, हाउ विल बी द मैटर्स रिजॉल्व। तो हमें हर पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेनेशन देते जाना है। चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सब आंसर आपने ही दिए हैं, बस सॉल्यूशन मेरे को रिटेली करवा दीजिए। देखिए इसमें मैंने अच्छे से बोल्ड एंड हाईलाइट भी किया हुआ है रेड मार्क से जो कीवर्ड्स हैं। देखिए द पार्टनर्स डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख दिया, पार्टनर्स के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसलिए क्या फॉलो करेंगे हम? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो फर्स्ट पॉइंट था क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं अगर एग्रीमेंट ना हो, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि नॉट पेबल। तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं, नॉट पेबल है, इसलिए अमरीश को क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ गए वो वाला पॉइंट, इसलिए अमरीश को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये कैपिटल को रेड किया हुआ है, अभी समझेंगे आप क्यों किया हुआ है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं।
सेकंड में बोला था रेम्यूनरेशन, अगर सैलरी देते हैं कि नहीं देते पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, नहीं देते, इसलिए ललित को भी सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट उनका नहीं है। चलिए थर्ड पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए और समझाना चाहता हूँ कि हमेशा 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 ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पढ़ के कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है या इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जल्दबाजी में 6% याद करके लगा देते हैं, लेकिन 6% पार्टनरशिप एक्ट में किसके लिए लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए लिखा है। तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए बात, मैंने वहां पे भी स्टार मार्क करवाया था, यहाँ भी स्टार मार्क कर रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे लिखा हुआ है 6% देना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखा हुआ है नील। तो यहाँ पे उसने लोन दिया था, याद रखिएगा ये बात, ठीक है? उसने चारों ने लोन दिया था 50,000 का, इसलिए 12% तो नहीं देंगे क्योंकि इनका एग्रीमेंट नहीं था। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, 6% अलाउबल है, आप 6% ले लीजिए। तो 50,000 का 6% कितना आ गया, 3,000 आ गया। ठीक है, समझ आ गया ये आपको पॉइंट। बताइए नेक्स्ट पॉइंट में, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं है इसलिए पार्टनरशिप एक्ट कहता है ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट था वहां पे 50,000 और मैंने आपको बताया 50 में से 3,000 माइनस करके 47,000, क्योंकि साइलेंट एग्रीमेंट इसलिए पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कहता है पार्टनर, अ पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एज पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा था तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करते हुए हम बोल देंगे कि भैया नया पार्टनर नहीं आ सकता जब तक कि सब लोग कंसेंट नहीं देते हैं। इसी वजह से इंदर जो है वो कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, बिकॉज चारों ने उसमें ऑब्जेक्शन माइलॉट कर दिया था, इसी वजह से वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। याद क्या रखना है कि आपको स्टेप वाइज चलना है। आप पहले क्वेश्चन में देखो कि एग्रीमेंट है कि नहीं है, अगर एग्रीमेंट है तो उसे फॉलो करो और एग्रीमेंट नहीं है तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस है उसे अप्लाई करते हुए आंसर दे दो कि किसकी कंटेंशन वैलिड है और किसकी कंटेंशन इनवैलिड है। उसमें बस कुछ चीज़ों का मेजर ध्यान रखना, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का और ऐसे कुछ की हाइलाइटेड पॉइंट्स का। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन रेफरेंसेस से गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पक्का पक्का उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज़।